नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फास्ट जॉब अलर्ट। मैं आपको आज बताने वाला हूं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज कर दी है। मैं नए पैटर्न के बारे में आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। विषय समूह भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, उद्यमता, मनोविज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, कृषि, यो कंप्यूटर साइंस तथा मल्टीमीडिया, यो वेब टेक्नोलॉजी, योग, यो शारीरिक परीक्षा इत्यादि सब्जेक्ट्स के लिए सैद्धांतिक परीक्षा के कुल निर्धारित अंक 70 है। वस्तुनिष्ठ एकल सही उत्तरीय प्रश्नों की कुल संख्या 35 है। कुल निर्धारित अंक 35 है। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। परीक्षा OMR सीट के माध्यम से ली जाएगी। लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए निर्धारित कुल अंक 20 है। कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कि नहीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए निर्धारित कुल अंक 15 है। कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए अथवा के रूप में एक और प्रश्न दिया जाएगा। निर्धारित 3 प्रश्नों अथवा उसके अथवा में दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दिया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। अब हम विषय समूह गणित, लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र इत्यादि सब्जेक्ट्स के लिए कुल निर्धारित अंक 100 है। वस्तुनिष्ठ एकल सही उत्तरीय प्रश्नों की कुल संख्या 50 है। कुल निर्धारित अंक 50 है। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। परीक्षा OMR सीट के माध्यम से ली जाएगी। लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए निर्धारित कुल अंक 30 है। कुल 22 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कि नहीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए निर्धारित कुल अंक 20। कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस प्रत्येक प्रश्न के लिए अथवा के रूप में एक और प्रश्न दिया जाएगा। निर्धारित 4 प्रश्नों अथवा उसके अथवा में दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दिया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। विषय समूह हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, मगही, उर्दू, फारसी, अरबी, बंगला इत्यादि विषय के लिए कुल निर्धारित अंक 100 होंगे। वस्तुनिष्ठ एकल सही उत्तरीय प्रश्नों की कुल संख्या 50 होंगे। कुल निर्धारित अंक 50। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। परीक्षा OMR सीट के माध्यम से ली जाएगी। विषयनिष्ठ प्रश्न कुल 50 अंकों का होगा, जिसमें से निबंध, व्याख्या, पत्र लेखन, संक्षेपण, अपठित गद्यांश आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम अंकों का विवरण बता दें। निबंध 8 अंक का होगा, 5 विकल्प रहेंगे। व्याख्या 8 अंक का होगा, 4 अंक गद, 4 अंक पद। पत्र लेखन 5 अंक का होगा, जिसमें औपचारिक या अनौपचारिक होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 10 अंक का होगा, जिसमें से 2 अंक का 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 8 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 5 का उत्तर देना अनिवार्य होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 अंक के होंगे, जिसमें से 5 अंक का 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का एक विकल्प होगा। संक्षेपण 4 अंक का होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आने वाले इस प्रकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।